करते हैं धर्मशाला की ओर। हिमाचल के मंत्री की पत्नी की गाड़ी से चंडीगढ़ में 2.5 लाख की चोरी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रही है भाजपा सरकार। हिमाचल के वन और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की पत्नी का चंडीगढ़ के एक सलून में जाना इस कदर महंगा पड़ा कि वो लाखों रुपए गवा बैठी। जब मंत्री की पत्नी के 2.5 लाख रुपए चोरी होने की पुलिस तक खबर पहुंची तो मामले ने सियासी रंग ले लिया। लगे हाथ अब विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मामले की जांच करवाने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि मंत्री की पत्नी चंडीगढ़ में सरकारी गाड़ी में गई थी और वहां उनके पास इतनी भारी रकम कहां से आई। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने क्या कहा है सुनिए। चंडीगढ़ में जो 2.5 लाख रुपए की चोरी की घटना हुई है, उस घटना में जो महत्वपूर्ण बात है कि 2.5 लाख रुपए कैसे आए या क्या चोरी हुई, ये तो गंभीर मामला है ही, लेकिन उससे भी गंभीर मामला ये है कि सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है। एक मंत्री की पत्नी को लेकर गाड़ी, HRTC की गाड़ी जो है वो 5-6 घंटे जो है वो एक ब्यूटी पार्लर में मंत्री के सौंदर्यकरण के लिए खड़ी रहती है, ये जांच का विषय है। इससे ये पता लगता है कि ये सरकार अपने मंत्रियों के ऐशप्रस्ती के ऊपर प्रदेश के धन को लुटा रही है। आज स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं आते हैं। आज स्थिति ये है कि इनके मंत्री बेलगाम होकर पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। आज स्थिति ये है कि प्रदेश में लग्जरी गाड़ियाँ, लगभग 250 गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर और जेट विमान जो हैं वो इन्वेस्टर मीट के नाम पर बुक किए जा रहे हैं। इस तरह प्रदेश के जनता का जो खून पसीने की कमाई है, उस कमाई को ये सरकार लुटाने पे लगी है। प्रदेश कांग्रेस इस सरकार के इस भ्रष्ट कृत्य की कड़े